हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। आज का नया टॉपिक है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होने के पीछे इलेक्ट्रॉन्स का हाथ ही क्यों होता है। यानी कि मान लीजिए कि अगर कोई ए बॉडी है, वो अपने इलेक्ट्रॉन बी बॉडी को दे देती है, तो ए पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है और बी पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है। हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होने के पीछे इलेक्ट्रॉन्स ही क्यों जिम्मेदार होते हैं, प्रोटॉन्स क्यों नहीं, तो देखते हैं। देखिए, प्रोटॉन जो होते हैं वो अंदर न्यूक्लियर के अंदर होते हैं और ये बाउंडेड होते हैं और इनके बीच में न्यूक्लियर फोर्सेस होते हैं और ये प्रोटॉन को बाहर की तरफ नहीं निकलने देते, जबकि इलेक्ट्रॉन्स ऑर्बिट्स में होते हैं और ये इलेक्ट्रॉन्स इजीली बाहर की तरफ जा सकते हैं। इसके कारण जो पार्टिसिपेशन होता है वो ओनली इलेक्ट्रॉन्स का होता है, ना कि प्रोटॉन का। अगर आपने प्रोटॉन को निकालने की सोची भी तो इससे न्यूक्लियर रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, जो कि न्यूक्लियर रिएक्टर्स के अंदर होती है। जैसे एक यूरेनियम को आप तोड़ते हो तो बेरियम और क्रिप्टोन के अंदर एक चेन रिएक्शन स्टार्ट हो जाती है, जिससे काफी सारी एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इसीलिए हमेशा पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस होने के पीछे इलेक्ट्रॉन्स ही जिम्मेदार होते हैं। ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।